शगना दा चूड़ा पाके हथाच मेहंदी मिला के अखाच सुपने सजा के तेरे नाल जना मैं तेरे नाल जना है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये एक शादी का ही गाना है, शगना दा चूड़ा, जिसमें एक लड़की की जब शादी होती है तो उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स उसको हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये मेरा पहला गाना है एज अ सिंगर, और एज एन एक्टर भी मैंने इसमें काम किया है। और रमित मेरे इसमें ग्रूम बने हैं, दूल्हा बने हैं, और हम दोनों काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं। और हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे इस पूरे गाने के शूटिंग के टाइम पे, क्योंकि आपस में इतना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस एक्टिंग करने में कि क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि ये पूरे टाइम मुझे गाइड करते हुए आ रहे थे। प्लस हमारे जो डायरेक्टर हैं दुर्गेश शाह राजभट्ट, वो इस गाने के कंपोज़र भी हैं, और जो प्रोड्यूसर हैं एकांश बच्चन, जो हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे। सब लोग एक दूसरे को, क्योंकि सबका पहला प्रोजेक्ट था ये एज अ सॉन्ग, और सबको एक दूसरे को बताते हुए जा रहे थे कि कैसे क्या करना है। और जहाँ तक बात है ब्राइड बनने की, तो हर लड़की का सपना होता है कि वो ब्राइड बने, सुंदर से सुंदर लहंगा। और जहाँ ये लहंगा भी 8 किलो का था, और ऊपर से इतनी ज्वेलरी, तो था थोड़ा डिफ़िकल्ट इसमें चल फिर कर जाना आना, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी अंदर से कि हमारा पहला गाना शूट हो रहा है, तो हम पूरी जान लगाकर अपनी मेहनत कर रहे थे कि जब लोग देखेंगे तो उन्हें पसंद आए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। रमित, ये चूड़ा का जो रिचुअल है बहुत पुराना रिचुअल है, अगर उस बारे में कुछ बताएं और ऑडियंस कितना कनेक्ट करेगी इस गाने से? देखिए, अब मेरे ख्याल से मैं भी बचपन से कितनी शादियां अटेंड कर चुका हूँ, मैं नॉर्थ से हूँ, दिल्ली से हूँ, और आप देखते हैं कि जिस भी शादी में जाते हैं तो सबसे पहले दुल्हन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है, चूड़ा और लहंगा। तो ये चूड़ा एक हर एक लड़की का मतलब क्रेज़ है थोड़ा सा, कि नहीं यार एक रिचुअल्स ऐसा है जो हम शुरू से हर एक फैमिली में, हर एक लड़की जो शादी जिसकी होने वाली होती है, एक उसका सपना होता है कि यार मैं, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, मैं देखता हूँ नॉर्थ साइड में कि पहले तो चूड़ा मतलब यहाँ तक भी लड़कियाँ आज तक पहनने लगी हैं। तो इस रिचुअल से ये वहीं से स्टार्ट है, हम तो खाली इसको फॉलो करते हैं और इस गाने के थ्रू हम आगे तक लेके आए हैं। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि और भी गाने शादी के हमने देखे हैं कि कभी कोई लहंगे पे हैं, कभी कुछ किसी चीज़ पे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद अभी तक किसी ने टच नहीं किया। और हमारे एक्शा एंटरटेनमेंट और एक्शा स्टूडियोज़ के माध्यम से चीज़ को हम लोग आगे लेके आए, और फिर ये गाना क्रिएट हुआ, आइडियाज़ निकले हमारे एकांश जी की तरफ से, फिर वो आगे सब के साथ बैठ के उसको क्रिएट किया गया, साबिरी वेमरा जी के साथ इसको डिस्कस किया गया। देखिए, हम दोस्त भी अच्छे हैं, दुश्मन भी अच्छे हैं, तो हर एक चीज़ नोकझोंक तो रहती है। तो क्रिएट करने के लिए देखिए, हर्षा सिंगर तो बहुत अच्छी हैं, तो बट ये इसका पहला काम है जो इसने एज एन एक्ट्रेस अपने आप को परफॉर्म किया है, और मैं भी काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो गाइडेंस तो क्या होता है कि देखिए, जब आपका एक्टर को एक्टर आपके साथ कंफर्ट है, और दूसरा कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जैसे ये गाना है, ये गाना मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, हर्षा गा चुकी है उतनी बार मैं सुन चुका हूँ, तो उसको करने के लिए मुझे कोई इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई। हाँ, सेट पर फ़न था, हम लोग बहुत कूल तरीके से काम कर रहे थे, कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं। तो ये आपको जो नेचुरल दिख रहा है अभी, वो इसीलिए है दिख रहा है क्योंकि हमने बिल्कुल काम ही नेचुरली किया है, कुछ ऐसा ओवर रिएक्ट नहीं किया चीज़ों को लेके, हंसी हंसी में काम किया, और फील होता है इसका एक गाने के साथ इमोशन और फील जुड़ा हुआ था। और आप देखा जाए तो फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग है, तो मैं इसमें हर्षा का ग्रूम प्ले कर रहा हूँ, तो बट मेरा उतना नहीं है, बट हाँ, बट आप गाना सुनते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको फील, आप उसके अंदर बह जाते हो। तो बस वैसे ही हमने इसको शूट किया और वैसे ही हमने इसको एक्ट किया। हर्षा, आपसे जानना चाहूँगा कितना चैलेंजिंग था सिंगिंग भी करना, फिर एक्टिंग करना, फिर इतना हैवी लहंगा पहनना ऑन सेट, और जैसे रमित ने बताया था कि तूफान भी आया था, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, कितना चैलेंजिंग था एज अ एक्टर और एज अ सिंगर? तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि ऐसा सीज़न चेंज हुआ था कि हमें लगा पता नहीं गाना कैसे शूट होगा, और इतनी बारिश होने लग गई एक दिन पहले कि
सब कुछ तैयार था, सारी डेकोरेशंस थी, सारा डेकोरेशन ख़राब होने लग गया जो शादी की हमने डेकोरेशंस वगैरह करवाए थे। तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे उस टाइम पे कि पता नहीं ये गाना कैसे पुल ऑफ करेंगे हम लोग, लेकिन ऊपर वाले की हम कह सकते हैं उस दिन उन्होंने थोड़ा हम पे रहम किया कि थोड़ा क्या पूरा ही रहम किया कि वो गाना उस दिन निकल गया। और जब जब बाहर वाले शॉट हम कर रहे थे अचानक से बारिश रुक जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे साथ में ही है हमारे वाहेगुरु जो ये सारा कुछ करा रहे हैं हमें। और क्योंकि ये पंजाबी गाना है तो हम लोगों ने अपनी पूरी फील डालने की कोशिश की कि एक पंजाबी ब्राइड का जो चूड़े से इमोशनल अटैचमेंट होता है, फिर वो लहंगा कलीरा वो सारा आप जो जो देखेंगे उसमें जो पहनावा है वो पूरा पंजाबी ब्राइड का जो अटायर होता है। हाँ, क्योंकि अब चूड़ा फैशन में आ गया है तो नॉन पंजाबी ब्राइड्स भी पहनते हैं, हम लोग सब लोग को अच्छा लगता है कि शादी के बाद यहाँ से यहाँ भर के चूड़ा पहने। और वो जो लहंगा पहना था वो भी मैंने जैसा आपको बताया कि 8 किलो का था, उसमें चलना फिरना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सीढ़ियों वाला शॉट है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो और उसको फेरे हमने बहुत सारे फेरे भी लिए थे, 14-7 फेरे की जगह पहले 14 हुए। हाँ। फिर ऐसे साथ साथ करके बढ़ते गए, फिर हमने हाफ सेंचुरी मारी। हाँ, 50 फेरे लिए होंगे हमने। अच्छा, लास्टली क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे ये गाने के बाद अगर कुछ बताएं? तो हम लोग इस गाने के बाद चाहते हैं कि जैसा कि ऑडियंस का रिस्पांस आएगा उससे पता चलेगा कि उनको कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद हम अलग अलग जॉनर्स के गाने चाहते हैं आए। और ना ही सिर्फ हमारा, जिसके थ्रू ये गाना आ रहा है एकशा स्टूडियोज़, वो सब नए आर्टिस्ट को चांस दे रहे हैं, तो हम खुद चाहेंगे कि हमारा भी कुछ गाना आए और शायद दूसरे आर्टिस्ट का भी आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सुनने मिले, जिसमें सैड रोमांटिक, रोमांटिक सूफ़ी और डांस नंबर्स, जो भी आप म्यूज़िक के अलग अलग जॉनर्स होते हैं उसमें हम चाह रहे हैं हम एक्सप्लोर करें और ऑडियंस को प्रेजेंट करें और देखें कि उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है। अभी तो आप मेरा यही प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जो यूट्यूब पे आ चुका है, शगनाला चूड़ा। इसके आगे मैं एक सीरीज़ भी कर रहा हूँ जो वो एकशा एंटरटेनमेंट की है। एकशा एंटरटेनमेंट के साथ मैं 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ और नेक्स्ट भी एक सीरीज़ ही है। तो यही सब लाइनअप है, बाकी की चीज़ें आपको डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपके सामने हमारे चैनल्स पे आपको दिखती रहेगी।